Anatomy of flower. What is anatomy of flower? Flower is a main reproductive organ of plant which have two parts, external and internal. The external part has external part divided into two parts, male and female. Male part have anther and filament are called stamen, and female part have stamen, stigma, style, ovary and ovule are called corpus, or pistil, female part. जो स्टैम तो ये हमारा पूरा ये हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावर है और ये हमारे स्टैम होती है जो फ्लावर खड़े होने में मदद करती है और ये सेपल होती है जो फ्लावर की शेप मेंटेन रखती है और पेटल्स ये पेटल्स हैं पेटल्स के काम करती हैं पेटल्स फ्लावर और इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेशन के लिए और ये एंथर है एंथर और फिलामेंट के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स और एंथर और फिलामेंट को कहते हैं स्टिग्मा और ये मेल पार्ट है और ये एंथर और फिलामेंट को स्टैमन कहते हैं और ये स्टिग्मा है स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और एंटर होते हैं और शेप है और इसके अंदर से फ्लैवर होते हैं पोलन ग्रेन ओवरी में जाते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ओव्यूल और उसके अंदर जब पोलन ग्रेन जाते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं और इस तरह को कहते हैं पार्पल और पिस्टल और इसको कहते हैं मेल पार्ट इसको फीमेल तो उसको मेल पार्ट जब मेल और जब मेल और फीमेल आपस में कंबाइन होते हैं तो हैं तो पोलिनेशन करते हैं थैंक यू What is anatomy of flower? सबसे पहले flower is the main reproductive organ of them. जो flower है जो flower को bottom देखते हैं उसको external part कहते हैं flower two parts में divided है external part and internal part. जो हमारे external part है उसको हम देख सकते हैं उसके अंदर रखते हैं stem, sepal और petal. जो stem है हमारी वो green color की होती है जो sepal है वो भी green color की होती है जो स्टैम्प है उसका फंक्शन है कि वो प्लांट को और फ्लावर को एक साथ अटैच करती है पैटर्न जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती है फॉर एग्जाम्पल वाइट पिंक रेड ये सब कलर्स की होती है वो हमने इधर रेड कलर शो किया है पैटर्न्स का फंक्शन है पैटर्न्स के ऊपर पोलिनेशन होती है जो कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसके बाद जो हमारे इंटरनल पार्ट है उसकी भी आगे से दो पार्ट है मेल एंड फीमेल मेल पार्ट में स्टैमन है स्टैमन के अंदर एंथर और फिलामेंट है और फीमेल पार्ट के अंदर कार्पल है कार्पल या पिस्टल हम कहते हैं और उसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओव्यूल होता है एंथर जो होता है एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं और वो पोलिनेशन लाने में मदद करती है और उसके वो भी अपने और साथ में बहुत सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है उसके बाद फिलामेंट है फिलामेंट पेटल्स को और पेटल के साथ एंथर को मजबूत रखती है उसके बाद कार्पल और पिस्टल कहते हैं जो हमारा स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके बाद स्टाइल जो हमारा स्टिग्मा है जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो स्टिग्मा से गुजर के जाते हैं और वो ओवरी में जब आते हैं तो ओवरी में एक ये शॉर्ट होता है उसको हम ओव्यूल कहते हैं उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है अगर आप Assalamualaikum, my name is Alifidhi and I live in class 6. Today our project is Anatomy of Flower. What is anatomy? Flower is a main reproductive part of plant. Main reproductive of plant, it has two parts, external and internal. External part ke aage external three parts hota hai. Petal, sepal and stem. स्टेम जो होती है वो फ्लावर को प्लांट के साथ अटैच करने में हेल्प करती है सेपल जो होते हैं उसकी ऊपर वाली शेप मेंटेन रखते हैं और पेटल्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपनी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर जो इंटरनल पार्ट्स टू है मेल और फीमेल मेल पार्ट हैज टू पार्ट
मार्क एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं और फिलामेंट एंथर के फ्लावर के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। और जो फीमेल पार्ट है उसके फोर पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ऑर्बी एंड बॉबी। स्टिग्मा जो है उसके अंदर से पोलन के लैंडर होते हैं, स्टाइल के अंदर से वो गुजर के ओवरी में जो ये ओवरी होता है छोटा सा जो स्पॉट अंदर बनाया है इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर की। इन चार फीमेल पार्ट्स जो चार हैं इनको कार्पेल कहते हैं और जो मेल पार्ट्स हैं एंथर एंड फिलामेंट इनका नाम स्टैमन है। स्टाइल ओवरी और ओव्यूल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके अंदर पोलन ग्रेन्स कैसे
ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर पोलरगेज आता है, फिर स्टाइल के ऊपर आता है, फिर ओवरी के ऊपर और फिर ओव्यूल के ऊपर। जब इन सबके ऊपर होता है फिर इनकी पोलिनेशन होती है। ये था हमारा प्रोजेक्ट, थैंक यू।